सपने बहुत देखे होंगे आप लोग बाबू, एक बार इसे आजमा के देखो, एक बार मैथ से दिल लगा के देखो। वादा है आपसे रिजल्ट इतना शानदार होगा ना, आपको मैथ में इंटरेस्ट आते ही हर सब्जेक्ट का रवैया बदल जाएगा और हर सब्जेक्ट जबरदस्त हो जाएगा, ये गारंटी है बाबू। तो मैथमेटिक्स को एक बार करीब जा के देखो, रिजल्ट बहुत शानदार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। एक बार इसे दिल लगा के तो देखो। तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं, हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी, जो क्लास 10th का है, बहुत ही शानदार है। और ये आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन हर बार रहते हैं। क्वेश्चन को पहले करीब जाओ और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, कितना आसान है। देखिए कैसे करीब जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में बस एक ही चीज याद रखिए, देखिए इसमें हमेशा बाबू आपके एग्जाम में 5 नंबर आएगा, ये गारंटी है। और आप बना लीजिएगा, काहे टेंशन ले रहे। देखिए कैसे, एक तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए हमेशा या तो इस लाइन को नहीं तो इस लाइन को दो भाग में तोड़ेगा, ऐसे दो भाग में बोलेगा कि एक की ऊंचाई निकले, और नहीं तो इस तरह से दे देगा, ऐसे दे देगा और एक बार ऐसे दे देगा। बताओ नीचे वाले लाइन को दो भाग में तोड़ा है ना, बोलेगा क्या, यहाँ गाड़ी है थोड़ा देर के बाद यहाँ से यहाँ चली गई, तो बताइए कि कितना देर के बाद ये वाला दूरी निकालना है, कितना देर के बाद यहाँ से यहाँ गाड़ी गई है। ऐसे ही आपको इसके पीछे वाला बताया था ना, एक छोटुआ यहाँ पे था और यहाँ पे चला गया, तो यही निकालना था। तो या तो इस लाइन को दो हिस्सा में तोड़ेगा, नहीं तो इस लाइन को जैसे कि यहाँ पे तोड़ा गया है जिसमें एक हिस्सा ऊपर निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। याद रखिएगा कि इसमें एक ही को त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। पूरा लेसन में यही बनेगा 90 डिग्री वाला, तो हमेशा 90 डिग्री वाला में एक छोटा वाला लीजिएगा, ये वाला, ठीक है, और एक यहीं से बड़ा वाला लीजिएगा, ए बी सी डी। एक बार लीजिएगा ए बी सी, ठीक, और एक बार आप गलती क्या करें बता रहे हैं, आप ले लेंगे ए बी सी और ए सी डी, ये वाला नहीं लेना, इस समकोण त्रिभुज नहीं है ये वाला। अच्छा इसको मिटा दें, यहाँ लिखे तो ए सी डी, यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, ये नहीं लेंगे। एक बार लेंगे ए बी सी और फिर ए बी डी, ये बड़ा वाला लेंगे, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे, एक बार छोटा वाला लेंगे, बी डी बी सी जिसमें 90 डिग्री है, ए बी सी इसमें भी 90 डिग्री, ये दो बस ले लेना है। अब फॉर्मूला एक ही तो लगाना है, टेन थीटा आपका आंसर आ जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। और ये आएगा पूरा का पूरा इस लेसन का इसी रूल पर बनेगा और सब में 10 लगेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा। अब यहां देखिए, चलिए अब बात करते हैं हम लोग, हमको निकालना है कि ये जो ऊपर मीनार लगा है ना, देखिए छत है यहाँ, बी से लेकर डी तक छत है, छतवा के ऊपर क्या मीनार लगा दिया गया, बोला गया मीनार की ऊंचाई जो है, संचार जो है उसकी ऊंचाई निकाल देना है। कोई बात नहीं, एक बार छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, एक बार बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, सिंपल। तो बात करते हैं छोटा वाला त्रिभुज ए, ए नहीं है जी, छोटा वाला क्या है, डी बी सी, डी बी सी में इस त्रिभुज में बात करते हैं, टेन थीटा ही फॉर्मूला लगाएंगे। टेन क्यों लगाएंगे बाबू, लंब दिया है, आधार निकालना है, और लंब आधार किस में आता है वो तो पता है, कमेंट में बताइए लंब आधार किस में आता है, टेन और कॉट में आता है। तो लिखेंगे यहाँ पे टेन थीटा बराबर लंब बट्टा में आधार, सिंपल है। टेन थीटा का मान छोटा वाले के लिए 45 होगा ना, और छोटा वाला क्या है आप ही कुछ समझे ना, 60 और 45 में छोटा 45 है ना, है तो 45 डिग्री, और बराबर लंब कितना है 20, और आधार नहीं पता है तो बी सी लिख दीजिए, क्योंकि इसमें तो बी सी ही ना आधार है, हम इसका बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं, ठीक है। 10 45 का मान 1 होता है, 20 बट्टा में हो जाएगा बी सी, तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा बी सी बराबर 20 मीटर। ये भी कितना आ गया, ये वाला आ गया आपका 20 मीटर, ठीक है, ये भी 20 और ये भी 20, चलो बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी का, यानी त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, फॉर्मूला वही टेन थीटा, क्योंकि हमको अब पूरा लंब में इतना लंब निकालना है, इतना तो पता है वो निकल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, हमको ये वाला लंब निकल जाएगा, लेकिन लंब निकालना है, आधार दिया है, लंब आधार टेन में आता है इसलिए टेन लगा रहे हैं, टेन थीटा। अब डरिएगा मत, क्योंकि सॉल्व करने आप क्यों डर जानते हैं क्या, आप सोचिएगा सर मेरा ना आंसर ना नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं आता, अरे रूट वोट में आएगा तो रूट से क्यों डरते हैं, बहुत ऐसे बच्चे क्या रूट से डर जाते हैं, बाप रे बाप रूट है, बाप रे सबसे खतरा है, रूट वोट से नहीं डरना है। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है लंब, लंब पूरा ए बी है, ए बी, आधार पूरा में बी सी है, ठीक। अब यहाँ देखिए टेन थीटा का मान 60 डिग्री है, 45 भर दिए, ए बी कितना है, यहाँ देखिए तो ए से लेके बी तक, यहाँ से यहाँ एच और यहाँ से यहाँ 20, तो एच प्लस 20, एच प्लस 20, और यहाँ देखिए बी सी आधार है 20, टेन 60 का मान होता है रूट थ्री बराबर एच प्लस 20 बट्टा 20, तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाता है 20 रूट 3
बराबर एच प्लस बीस। आपको एच ना निकालना है, यही ना, आ गया आंसर सिंपल। एच को अकेले छोड़ दो, जिसका वैल्यू निकाल, प्लस में इधर गया तो माइनस में, बीस रूट थ्री अब माइनस में हो जाएगा, बीस बराबर में एच, दोनों में कुछ एक जैसा दिख रहा है, बीस बीस ट्वेंटी दिख रहा है, कॉमन ले लो तो बचेगा रूट थ्री माइनस वन बराबर एच। एच बराबर इतना ही आया, आप डरिएगा मत कि सर मेरा ऊंचाई का नहीं है, अरे इतना ही आएगा, इससे सॉल्व अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आप लिख सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है, 20 रूट थ्री माइनस वन, सिंपल, बहुत आसान है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा, और बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पेडेस्टल वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है, एक बार हम देखे हैं प्रीवियस ईयर में, ये पेडेस्टल वाला क्वेश्चन पूछा है, बहुत आसान है। आपको बताए थे ना कि दो ही टाइप का फिगर, मतलब एक ही टाइप का होता है, जिसमें हमेशा एक 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज बनेगा, या तो नीचे वाले लाइन को दो हिस्सा में तोड़ेगा, या फिर साइड वाले लंब को दो हिस्सा में तोड़ेगा। आइए यहां देखते हैं, कह रहा है कि पेडस्टल है। आप कहिएगा सर ये पेडस्टल क्या होता है? देखिए, किसी भी चीज पर जब मूर्ति रखा जाता है ना, तो उस जो क्या बोलते हैं उसको, अब अपने भाषा में चबूतरा वगैरह बोल सकते हैं, जिस पर मूर्ति रखा जाता है उसको पेडस्टल बोलते हैं। तो जिस पर रखा जाता है उसको हम लोग पेडस्टल बोलते हैं। एक पेडस्टल है जो कि यहां पे लिखा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, यानी कि एक पेडस्टल ऐसे है कुछ देर के लिए मान लीजिए, और इसके ऊपर, इसी के ऊपर 1.6 मीटर ये मूर्ति लगा है, इसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है, ठीक है। पेडस्टल कहाँ होगा? जमीन पर ही होगा, तो ये वाला आपका जमीन हो गया, जमीन से ये वाला आपका हो गया पेडस्टल, ये क्या है, पेडस्टल है। और यहाँ से इसके शिखर पर, यानी कि पेडस्टल के शिखर माने ऊपरी हिस्सा, टॉप पर एक मूर्ति की लंबाई 1.6 मीटर है। अब यहाँ देखिए, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ध्यान से समझिएगा, उन्नयन कोण का मतलब नीचे कोण बनेगा, नयन को आप ऊपर कीजिएगा उसे उन्नयन कहते हैं। तो यहां से मूर्ति का शिखर ये है, समझिएगा, पेडस्टल का ये नीचे से यहां तक पेडस्टल ऊंचाई ये है, और ये टॉप फ्लोर मूर्ति का है, तो मूर्ति का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, समझ में है। और आगे बोल रहा है यहाँ पे, और उसी बिंदु यही रहेगा, उसी बिंदु से पेडस्टल का उन्नयन कोण, पेडस्टल यहीं तक ना है, यहाँ से यहाँ तक पेडस्टल है, इसका उन्नयन कोण कितना है, तो इसका उन्नयन कोण कितना है, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 45 डिग्री है, ये पूरा 60 डिग्री है, लेकिन अगर बात करें इस लाइन और इस लाइन के बीच वाला, तो ये 45 डिग्री है। आगे बोल रहा है पेडस्टल की ऊंचाई निकालना है, पेडस्टल की क्या निकालना है, यहाँ से आइए वाला ऊंचाई निकालना है, ठीक, अरे बन जाएगा, एक बार छोटा वाला निकालिए, एक बार पूरा त्रिभुज वाला निकालिए, और आपका आंसर आ जाएगा। नाम दे दीजिए इसका, इस रिश्ते का नाम दो, ए बी सी और डी, पहले कोई भी ले सकते हैं आप, छोटा बड़ा जो मन में आए वो लीजिए। चलिए हम छोटा लेते हैं त्रिभुज ए, या फिर मान सकते हो यहाँ पे हम ऊंचाई को क्या माने, पेडस्टल की ऊंचाई को लिख दो, माना कि, अच्छा लगेगा लैंग्वेज लिखोगे तो, माना कि पेडस्टल की ऊंचाई कितना है, ऊंचाई h मान लो, ठीक, और पेडस्टल का नीचे वाला आधार मानना चाहते हो तो यहां लिख सकते हो BC बराबर x, एक्स वाई जेड जो मानना है मान सकते हो, इसको हम लोग x दे दें। अब छोटा वाला त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज DBC में टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमको ये वाला दोनों इसी से रिलेटेड ना पता करना है, हमको कर्ण से कोई मतलब नहीं है, यानी जो हाइपोटेनस होता है ना, ये इस लंबा वाले लाइन को, तिरछा वाले को कर्ण या हाइपोटेनस बोलते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब क्या है, इसमें बात कर रहे हैं तो लंब एच है, एच, और आधार क्या है, आधार नीचे वाला एक्स है। और यहाँ देखिए तो थोड़ा देर के लिए यहाँ समझिएगा, टेन थीटा का मान यहाँ छोटा वाले के लिए 45 डिग्री है, बराबर एच बाई एक्स, इसका मान एक होता है एच बाई एक्स, तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा तो एक्स बराबर एच, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है, लिखे है ना, दोनों आपस में बराबर है। आप यहाँ एच भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ एक्स भी लिख सकते हैं, दोनों का नाम को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, ऊंचाई हमारा एक्स है, एक्स ही हमारा ऊंचाई है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। अब कहिएगा सर ये क्या क्या आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं छोड़ दो यार, नहीं समझ में आ रहा है तो बड़ा वाला एक लो, त्रिभुज ए बी सी में, सिंपल है, त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा में आधार, ठीक, टेन थीटा का मान बड़ा वाला के लिए 60 है, और लंब कितना है, लंब ए बी सी में लंब है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक पूरा लंब है, तो क्या है,
एक पॉइंट, यहाँ सॉरी लंब है 1.6 और प्लस में h और बट्टा आधार क्या है, आधार है x। इतना तो समझ में आया ना। टेन 60 का मान कितना होता है, रूट थ्री होता है, बराबर 1.6 प्लस एच और बट्टा में x। तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री एक्स और बराबर में हो जाएगा 1.6 प्लस एच। आपको निकालना क्या है बाबू, पेडस्टल की ऊंचाई निकालना, यानी कि सॉरी यहाँ लिखा है उसी बिंदु से किधर निकालना, हाँ यहाँ पे पेडस्टल की ऊंचाई ये वाला निकालना है, ई वाला एच का मान निकालना है। तो यहाँ से एच का मान निकालना है तो यहाँ देखिए एक्स यहाँ लिखा है, यहाँ से देखिएगा यहाँ क्या लिखा है एक्स, और एक्स किसके बराबर है, एच के बराबर। तो जहाँ एक्स है वहाँ हम लोग एच लिख सकते हैं, तो रूट थ्री एक्स की जगह क्या लिख सकते हो एच, ठीक है, और बराबर 1.6 यानी 1.6 हो जाएगा और ये हो जाएगा h। h को पास में लाओ ना, प्लस में है इधर आएगा h तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट थ्री एच और माइनस h और बराबर 1.6। दोनों में से h कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन 1.6। h बराबर इसको बट्टा में भेज दो तो हो जाएगा 1.6 बटा रूट थ्री माइनस वन। तो एच का मान आपका निकले कि नहीं, अब चाहो तुम तो इसका परमेकरण कर सकते हो। मतलब परमेकरण का मतलब तो आपको बताए ही थे, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाता है, हो गया सिंपल है। अब ये मल्टीप्लाई करना है तो कर लो, नहीं तो लिखो 1.6 और ये रूट थ्री प्लस वन और बट्टा। ये हमेशा एक फॉर्मूला पे सेट होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, चाहे दोनों को गुणा कर दोगे तो आएगा आपका थ्री स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, 1.6 रूट थ्री प्लस वन और ये हो जाएगा तीन का स्क्वायर तीन और माइनस वन, 1.6 रूट थ्री प्लस वन और ये हो जाएगा दो कटाओगे तो हो जाएगा 0.8, यानी 0.8 रूट थ्री प्लस वन आपका आंसर हो जाएगा, पेडस्टल की ऊंचाई हो जाएगा। एच ना निकालना है तो लिख लेना पेडस्टल की ऊंचाई बराबर ये वाला आंसर। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम कुछ नहीं किए हैं बाबू, एक बार छोटा वाला निकाल रहे हैं एक बार बड़ा वाला निकाल रहे हैं, और दोनों जब निकल जा रहा है ये छोटा वाला यहाँ तक बड़ा वाला, तो ले जाके मान भर दे रहे हैं, वैल्यू भर दे रहे हैं। या फिर एक और काम कर सकते हैं, दोनों एच को बराबर कर दीजिए वो भी हो जाएगा, इसमें भी कुछ एच बचेगा इसमें भी ना, तो ऐसे बना लीजिए। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा, और आता ही होगा ना, बहुत आसान है। तो बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, और 8 नंबर समझ में आया होगा ना बाबू, तो आपको 9 नंबर भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु, पाद बिंदु का मतलब होता है पैर की बिंदु, यानी कि मीनार के जड़ से, मीनार का मतलब होता है कोई भी ऊंचे चीज को मीनार कहते हैं। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि मीनार कहां रहेगा, किसी ना किसी जमीन पर रहेगा, तो ये मान लीजिए जमीन यानी भूमि हो गया, क्या हो गया ये भूमि हो गया, और इस मीनार के पैर की बिंदु एक ऐसा ही ऊंचा मीनार है, कोई भी ऊंचा चीज को हम लोग क्या बोलेंगे मीनार, मीनार के पाद बिंदु यही होता है पैर की बिंदु से, ठीक। एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, समझिएगा एक तरफ मीनार है और एक तरफ है भवन, बस ऐसे समझ लीजिए, ठीक। और यही क्वेश्चन आपको समझना है कि एक मीनार के पाद बिंदु, यानी कि ये मीनार है, ये क्या है मीनार है, और ये वाला क्या है भवन है, ठीक हो गया। अब क्या बोला है कि मीनार के पाद बिंदु से, यानी मीनार के पैर के बिंदु से भवन के शिखर, यानी भवन के शिखर पर एक कोण बन रहा है, यानी यहाँ से एक बन रहा है जो कितना डिग्री है 30 डिग्री है, कितना डिग्री है 30 डिग्री है। उसके बाद से भवन, भवन के पाद बिंदु से, भवन ये है और इसके पैर के बिंदु से एक उन्नयन कोण बन रहा है मीनार के शिखर पर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वाला कितना डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे इस उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री। कुछ समझ आया, यानी इसका कोण बनाना हो तो यहाँ से देखोगे, ठीक है, और इसको देखना हो तो यहाँ से देखोगे, अरे ये ऐसे है डायरेक्ट सीधा नहीं, ये उन्नयन कोण बना रहे, नयन को ऊपर करोगे तो ये कोण दिखेगा और उधर से इधर वाला कोण दिखेगा, मतलब ऊपर वाला शिखर दिखेगा। अब कह रहा है मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, इसकी ऊंचाई कितनी है 50 मीटर है, ठीक है, तो भवन की ऊंचाई निकाल देना। अरे निकल जाएगा। अब कहिए सर हमको एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा, ये भवन की ऊंचाई कैसे निकलेगा, इसका तो हमको ये आधार भी नहीं पता है, कण भी नहीं पता है। तो सुनिए, आधार पता हो जाएगा जब आप इस त्रिभुज को लीजिएगा, तो लंब पता है ना 50, तो आधार निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा आधार। अब बताइए ना इस त्रिभुज में यही ना आधार है, तो इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी, ये आधार दोनों के लिए है, तो ये लंब पता है तो आधार तो निकल ही जाएगा, ठीक है, और जब आधार निकल जाएगा तो फिर ये भवन की ऊंचाई निकल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो दिया है, क्या दिया है,
डी सी बी में लंब दिया है, आधार निकाल लेते हैं। त्रिभुज डी सी बी में टेन थीटा बराबर लंब बट्टे में आधार, ठीक है। टेन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है, लंब कितना है 50, आधार कितना है बी सी। टेन 60 का मान कितना होता है बाबू, तो होता है रूट थ्री, और ये हो जाएगा 50 बट्टा बी सी। तिरछा तिरछी गुणा कीजिए तो बी सी बराबर डायरेक्ट यहाँ से निकलेगा 50 बट्टा रूट तीन। अब कहिए ये कैसे हो गया, बी सी और रूट तीन साथ में हो जाएगा, और बी सी निकालना है ना तो रूट तीन को नीचे भेज देंगे, ये बी सी का मान हो गया। आप चाहें तो इसका परमीकरण कर दीजिए, नहीं तो इतना ही छोड़ दीजिए। बी सी का मान निकल गया ना, अब आपका बी सी निकल गया 50 बट्टा रूट तीन। ये वाला हो गया। अब जब आधार पता है तो लंब निकल सकता है, वही टेन का फॉर्मूला। त्रिभुज ए बी सी में अब आते हैं, इस साइड वाले त्रिभुज में क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब कितना है, टेन थीटा लंब बट्टा आधार, यानी कि ए बी और बट्टा ए बी बट्टा बी सी, टेन हो जाएगा टेन। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। ए बी कितना है, ए बी नहीं पता है छोड़ दो, ए बी भवन की ऊंचाई है और ये पता है 50 रूट तीन, इतना तो पता है। अब एक काम करते हैं, टेन 30 का मान होता है 1/√3, और ये हो जाएगा यहाँ, देखिए समझिएगा, जब ऐसे कंडीशन आता है ना तो ये चला जाता है दोनों ऊपर 50 नीचे, यानी कि ये हो जाता है ए बी रूट तीन और बट्टा में 50 नीचे। अब कहिए सर ये आपको कैसे पता, तो जब भी तीन हिस्सा में टूटा रहता है तो यहाँ एक मान के ऊपर नीचे ऊपर और दोनों बीच वाले को नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों में एक और 50 है तो एक लिखने से कोई फायदा नहीं है। तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 50 और बट्टा ये हो जाएगा रूट तीन, तीन तरीका 9 का वर्गमूल 3 ए बी, ये हो जाएगा 50 बट्टा 3 ए बी। जब इसको पूर्णांक में तोड़ेगा तो आएगा 16/2/3, 16 3 48 और 2 50/3 ए बी का मान हो गया। तो यही भवन की ऊंचाई आप लिख दीजिएगा 16/2/3, यानी 16 2/3 मीटर है ना, तो मीटर आप मीटर इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका भवन की ऊंचाई, लिख दें यहाँ पे भवन की ऊंचाई कितना हो जाएगा 16/2/3 मीटर। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी बहुत आसान था, सेम क्वेश्चन था, कुछ अलग नहीं है बाबू। ये दिमाग में थोड़ा देर के लिए समझने वाली क्वेश्चन है कि उन्नयन कोण, आप भी किस कहीं भी कोण बनेगा तो आप तिरछे ना देखिएगा, ठीक है। तो ऐसे देखें और उधर से कोई ऐसे देख रहा है, ठीक है, इधर से देखोगे तो इस तरह, इधर से देखोगे तो ऐसे देखोगे, ये उन्नयन कोण बनता है। तो ये आपको समझ में आया होगा, और बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई दफा पूछा जा चुका है, यानी कि बार बार पूछा जाता है और बहुत आसान है ये क्वेश्चन। कह रहा है देखिए क्या बाबू, समझिएगा इसे, थोड़ा गौर से समझिएगा। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, मान लीजिए कि एक सड़क है, ठीक, एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। चलिए मैंने मान लीजिए कि ये कितना मीटर है, 80 मीटर है, समझ जाइए इसको, 80 मीटर ये चौड़ी क्या है, ऐसे 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 सड़क हो गया, बहुत चौड़ा सड़क है, ऐसे 80 मीटर है। और कह रहा है इसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं, एक ये खंभा हो गया और एक ये खंभा हो गया, ठीक है, और दोनों की लंबाई क्या है, समान है, आमने सामने ये लगा हुआ है, दोनों की लंबाई समान है, ठीक। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यानी सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, समझिएगा यही लाइन तो समझना है। कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच, बीच मतलब बीच ये नहीं, यहां से यहां कहीं भी ले सकते हो, ठीक है, एक बिंदु लीजिए और यहां से यहां लीजिए, यहां लीजिए, यहां यहां कहीं भी एक बिंदु लीजिए, ठीक है, और लेने के बाद यहां से उन्नयन कोण बनता है। एक बार अगर इसको देखते हैं तो यहां एक कोण बनता है, एक बार अगर इसको देखते हैं तो यहां एक कोण बनता है, ठीक है, एक बनता है 60 डिग्री और एक बनता है 30 डिग्री, 30 है ना, हाँ ठीक है, 60 डिग्री और 30 डिग्री, यहां पे उन्नयन कोण, कहीं पे एक बिंदु लीजिए और यहां से उन्नयन कोण बनता है।
तो कह रहा है यहाँ पे ठीक है कि खंभों की ऊंचाई, ये क्या निकालना है, खंभों की ऊंचाई, तो एक का निकल जाएगा तो दूसरा पता चल ही जाएगा। और दूसरा खंभों से बिंदु की दूरी, यानी कि खंभों से यहाँ से इसकी दूरी निकालो या यहाँ से इसकी दूरी, ये निकालना है आपको ठीक है। तो आप बताइए, हमको तो कुछ नहीं दिया है ना, सिर्फ एक ही तो सबूत दिया है कि पूरा का पूरा 80 मीटर है। थोड़ा देर के लिए आप समझिएगा, मान लीजिए कि ये लाइन है, यहाँ पे एक बिंदु है, दो हिस्सा में टूटा हुआ है, एक हिस्सा ए बी सी, एक ए बी हिस्सा है, एक बी सी हिस्सा है, पूरा 80 मीटर चौड़ा ए से लेके सी तक है। अगर आपसे हम बोले कि पूरा 80 है, अगर ए से बी तक अगर 50 मीटर हो तो बताइए, पूरा 80 था, ए से बी तक 50 मीटर हो तो ये वाला कितना होगा, तो कहिएगा सर ये 30 मीटर होगा। तो भाई आपको पता है क्यों 30 मीटर होगा, जब ये 50 था और ये पूरा 80 था तो आप किए क्या, पूरा 80 में से 50 को क्या कर दिए, घटा दिए, तो आंसर क्या आ गया, 30 आ गया। यही तो काम किए हम, टेम्पोरली आपको बताएं पूरा 80 है ठीक है, लेकिन ये हम अपने से बोले हैं कि अगर यहाँ से यहाँ 50 हो तो ये निकालने के लिए पूरा 80 में से 50 को घटा देते हैं। तो अगर हम पूरा 80 दिया है, अगर ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ हम x मान लें, 50 की जगह क्या लिख दें, x, तो दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स, क्योंकि हम जो भी होता है 80, ये जो भी होता है इसको घटाएंगे ना। तो अगर हम पूरा को मानते हैं यहाँ a b c d e, पूरा को क्या माने, 80, अगर इसको मान लें हम x, तो पूरा 80 में से x को घटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 में से x को घटाने पर ये वाला हो जाएगा। जब भी आप x का मान निकल जाएगा ना, मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये वाला लाइन जब निकल जाएगा तो जब घटाइएगा तो ये छोटा वाला लाइन निकल जाएगा। हमको ये पूरा पता है कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये पूरा लाइन 80 है, यहाँ से यहाँ x मान लिए, ये निकालने के लिए पूरा में से x को घटाना पड़ेगा तो ये आ जाएगा, इतना कन्फर्म हुआ ठीक है। ऊंचाई हमको नहीं पता है तो खंभों की ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बाबू, h मान लेते हैं, यानी कि माना कि खंभों की ऊंचाई क्या हो जाएगा, h मान लेते हैं ठीक। इतना तो आपको समझ में जरूर आया होगा ठीक है। अब बताइए ये वाला यहाँ त्रिभुज, अब एक काम कीजिए, आपको बताया थे हमेशा दो त्रिभुज बनता है, अब बस टेन थीटा लगा के दोनों निकल लिए, टेन ही लगता है ठीक है, टेन थीटा, कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में ठीक, टेन थीटा लगाइए, टेन थीटा बराबर होता है लंब, लंब क्या है ए बी सी में, लंब एच है, और आधार क्या है, लंब बटा आधार, टेन थीटा होता है ना लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा ए बी सी में लंब ये और ये आधार, टेन, थीटा का मान कितना है, थीटा ये वाला 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री थीटा है, बराबर में h बट्टा x ठीक है। टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर h बट्टा में x ठीक है, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिएगा तो हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा √3h बराबर में x ठीक है, ये हो जाएगा x बराबर ये इतना हो जाएगा, सॉरी h बराबर, इतना समझ में आया, ऊंचाई निकल गया मेरा, ऊंचाई क्या निकल गया, x बटा √3। अब कहिए सर आप बकलोल बना रहे हैं क्या, ये x दिया है, ऐसे थोड़े ना आंसर होता है, x का मान कुछ भरिए, तो चलिए ना अभी बाकी है, इतना से डरने की जरूरत नहीं है, अभी हम x का मान निकालें। तो पहले इस त्रिभुज में बात करें, त्रिभुज ई डी सी में, वो भी टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार, लंब एच है और आधार क्या है, आधार लंब एच और आधार इसका बात करें तो हो जाएगा 80 माइनस एक्स ठीक, टेन थीटा का मान यहाँ 60 डिग्री और एच बट्टा 80 माइनस एक्स, टेन 60 का मान होता है √3 बराबर एच बट्टा 80 माइनस एक्स। अब एक काम कीजिए, तिरछा तिरछे गुणा कर दीजिए, तो 80 में √3 से तो हो जाएगा 80 √3, 80 में √3 में एक्स से तो एक्स √3 और बराबर में h। अब मामला फंस गया, क्या यहाँ h बराबर इतना आया और यहाँ h बराबर, जबकि दोनों h बराबर है, आपको बताया कि समान लंबाई वाला यहाँ पे देखिए, तो यहाँ दोनों खंभों के किधर है, समान लंबाई, यानी क्या ना समान लंबाई वाले खंभा, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, और यहाँ h आपस में जब बराबर है तो ये भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर हम इसको मान लें समीकरण एक और समीकरण दो, एक हिसाब से अगर मान लें समीकरण एक और दो से कीजिएगा, तो ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर, यानी कि एच बराबर है, दोनों एच क्या है बराबर है, यानी एक्स √3 बराबर है किसके, 80 √3 और माइनस एक्स √3 इतना के बराबर है।
एक जात को एक जगह, एक्स वाले को एक्स के तरह भेज दीजिए, तो ये है किस में, माइनस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स बटा रूट तीन अब प्लस एक्स रूट तीन बराबर 80√3, ठीक है, इधर भेज दिए। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, बट्टा का जोड़ घटाव कर दो, हो जाएगा यहाँ पे रूट तीन और ये हो जाएगा एक्स प्लस 3x, कहिएगा ये क्या कर दिया, बट्टा का जोड़ कीजिएगा ना, एलसीएम निकालेगा तो इतना ही आएगा और बराबर में हो जाएगा 80√3। ये क्या है, इसका एलसीएम हो गया इतना, इसमें भाग दिए तो यही बचेगा, अच्छा सेम चीज़ में भाग देते हैं तो 1 बचता है, 1 में 1 से तो गुणा किए, ये बट्टा का जोड़ इतना आपको आना चाहिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो तिरछा तिरछी गुणा कर दो, जब भी बीच में बराबर होता है ना बाबू, तिरछा तिरछी, रूट तीन में रूट तीन से तो तीन तरीका 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3, ये दोनों को गुणा करेंगे तो 3 होगा, ठीक है, 3 तरीका 9 का 3 और 80 आई, क्योंकि 80 में 3 से 240, ये कितना हो जाएगा 3 और 1 4x बराबर 240, इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएगा 4 6 24 x बराबर 60, x बराबर क्या आ गया 60, यानी जो x माने थे ना ये वाला कितना है 60 है, अब बताइए पूरा 80 में से 60 घटेगा तो ये वाला लाइन कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, सिंपल है, ये वाला 20 हो जाएगा, लेकिन हमको ये नहीं निकालना है, हमको ऊंचाई निकालना है, x का मान ले जाके समीकरण 1 में रख दो, या फिर x का मान ले जाके समीकरण 2 में रख दो, हम भरते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, एच का मान निकालना है ना हमको, ये इतना है, ठीक, x का मान कितना है 60√3, अब इसका परमेकरण कर दो, नीचे रूट कभी भी नहीं छोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 60√3 बट्टा में 3, कटेगा तो हो जाएगा 20, यानी 20√3 मीटर है तो मीटर, ऊंचाई आपका आ गया, ऊंचाई बराबर 20√3, अगर बीच की दूरी का बात करें तो ये वाला है 60 और ये वाला है 80 में से 60 है तो ये वाला 20, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं क्या ये कैसे बनता है, तो हमेशा ये दो त्रिभुज में दोनों त्रिभुज का टेन थीटा पर वैल्यू निकालो और दोनों में दो ठो एच आएगा, दोनों को बराबर कर दो, सबका रूल यही अपना लो, दोनों को बराबर करो, क्योंकि दो एच आएगा, दोनों एच को बराबर करो, आपका आंसर आ जाएगा, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, तो समझ में आए तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा, आपके लिए जब इतना मेहनत हो रहा है तो आपसे तो थोड़ा सा एक मतलब आपके तरफ से कुछ होना चाहिए ना, ठीक है, तो बस लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से बोलिए कि उससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इस लेसन को कंप्लीट करेंगे, पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा और आपका तैयारी भी शानदार कराना है, हर लेसन वाइज आपका ऑब्जेक्टिव भी दिया जाएगा और मैथ में 100 में 100 लाना ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी, मिलकर काम करेंगे और 100 में 100 जरूर लाएंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।